अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे से होंगे। रूबीज कुकिंग के एक और रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज मैं इंस्टेंट बनने वाली मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना आपको इसमें बूंदी बनाने का झमेला होगा, ना कुछ ज़्यादा प्रोसेस है। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ आप बहुत ही मज़ेदार लड्डू बना सकते हैं घर पर। अभी त्यौहारों का सीज़न चल रहा है, उसके लिए तो ये वीडियो बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप शक्कर लिया है, एक कप बेसन ले लिया है, सेम क्वांटिटी मैंने दोनों लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा खरबूजे का बीज ले लिया है, खरबूजा ककड़ी किसी का भी बीज ले सकते हैं। यहाँ पे येलो फूड कलर और थोड़ा काजू ले लिया है डेकोरेशन के लिए। और वहाँ मैंने एक कप से भी कम मैंने पानी यूज़ किया है। अभी यहाँ पे मैं एक बेसन का घोल बना लूँगी। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन का एक स्मूथ सा घोल बना लें, ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें, नहीं तो लम्स पड़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के आप इसे एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें, जिस तरह हम भजिया का, आलू के भजिया का पेस्ट बनाते हैं, इस तरह एक बैटर बना के तैयार कर लें। देख सकते हैं आप सब, इस तरह आपको पतला बनाना है। और गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, जिस पे मैं एक बड़े कप के आसपास तेल ऐड करूँगी। तेल ऐड कर लिया है मैंने, तेल को अच्छा खासा गर्म करना है हमें। अभी हम बेसन के बैटर को इस तेल में फ्राई करेंगे। कोई भी आकार देने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी लंबा लंबा आकार देके आप इसे फ्राई कर सकते हैं। मैं ऐसे ही गोल गोल डाल के फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा अल्टी पल्टी कर लेंगे इसे हम, अच्छे से क्रंची होने तक इसे फ्राई करना है हमें। हमारा फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप, गोल्डन कलर आ चुका है। अभी मैं इसे भी तेल से बाहर कर लूँगी। हमारा फ्राई हो चुका है, ऐसे ही मैंने सेकंड टाइम भी सेम प्रोसेस से मैंने फ्राई कर लिया था। अभी हमें शक्कर की चाशनी बनानी है, इसके लिए मैंने दूसरा कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे। शक्कर डाल देंगे और आधा कप से भी थोड़ा ज़्यादा पानी है वो ऐड कर लेंगे साथ में। गैस का फ्लेम हम फास्ट रखेंगे और शक्कर को मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। कंटिन्यू चलाते रहें, शक्कर मेल्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, शक्कर मेल्ट हो चुका है। अभी हम फूड कलर ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 पिंच फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप अगर रेड कलर डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, मैंने येलो कलर यूज़ किया है। फास्ट फ्लेम में हमें इसे पकाना है। आधा होने तक इसे हम पकाएंगे। जब तक ये चाशनी बन रहा है, हम फटाफट बेसन को पीस लेते हैं भजिया को। यहाँ मैंने भजिया जो फ्राई किया था प्लेट में ले लिया है। देख सकते हैं, तक कुरकुरा बना है ये, ऐसे ही कुरकुरा फ्राई करना है हमें इसे। एक मिक्सर की बाटी में डाल के इसे मैं एक पाउडर बना लूँगी, ज़्यादा एकदम बारीक ना करें। देख सकते हैं आप सब, कितनी अच्छे से पीस चुका है। इस तरह हमें पीसना है।
एक साइड हमारी चाशनी बनके भी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप आधा हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे, इसे बस मैं 5 मिनट के लिए ठंडा कर रही हूँ। इस पे मैंने खरबूजे का बीज ऐड किया है, आप भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर दें। उसके बाद मैंने जो पीस के बेसन रखा है वो डाल देंगे और डालने के बाद स्मूथली धीरे धीरे मिक्स करेंगे। पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये चाशनी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, 5-10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें, वो बहुत ही अच्छे से सोख लेगा। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था पहले ही, अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी। चलिए ठंडा हो जाए उसके बाद फिर मिलते हैं। देख सकते हैं आप सब, पूरी चाशनी अच्छे से सोख लिया है और कितना ड्राई हो चुका है। इसमें मैं 2 टीस्पून घी ऐड करूंगी, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है लड्डू का। और थोड़ा घी मैं हाथ में रब करके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अभी हल्का सा मिक्स कर लेंगे हम और देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहा है। ऐसे ही दबाते हुए हम गोल गोल लड्डू के आकार देंगे। देख सकते हैं आप सब, लड्डू तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैं सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। ऐसे ही सारे लड्डू बनाने के बाद और प्लेटिंग करने के बाद आपसे मिलते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है ये। इंस्टेंट मोतीचूर लड्डू बनके तैयार हो चुका है। और आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप सबको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।